अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टीबीवी नॉलेज एंड ग्रोथ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ मस्जिद अल अक्सा। आप जब इमेज देखते हैं मस्जिद अल अक्सा की, क्या वो ये है गोल्डन डोम या ये मस्जिद है? गलत फहमी ये है लोगों की कि ये दोनों भी मस्जिद अल अक्सा नहीं है। मस्जिद अल अक्सा या अल अक्सा कंपाउंड एक्चुअली बहुत सारे मस्जिद को कवर, लोग सोचते थे एक्चुअली ये गोल्डन है, मगर हम सोचते थे कि ये शायद वो ऐश वाली मस्जिद है, मगर ये पूरा कंपाउंड अल अक्सा का है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक बिलीफ से, हम आपको आगे बताएंगे। और इसमें ज्यूइश बाइबल और क्रिश्चियन बाइबल का क्या रेफरेंस दिया गया, हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। तो गाइस, मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड के बारे में बोलने से पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं कि ये जमीन की क्या इंपॉर्टेंस है। इस्लाम के हिसाब से ये पहला खिबला था मुसलमानों के लिए, ये स्टेशन था अल इसरा वल अल मेराज के लिए। यहाँ पे बहुत सारे मिराकल्स दिखाए गए थे और ये एक ही मस्जिद है जो कि मेंशन हुई थी कुरान में अपार्ट फ्रॉम काबा। इसमें और ढेर सारे पॉइंट्स है जो आप बाद में चेक कर सकते हैं, लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ये रहा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट कैसा है, ये लोग मानते हैं कि ये एक वक्त में सोलोमन टेम्पल यहाँ पे हुआ करता था जो कि दो बार डिस्ट्रक्ट हो चुका, और ये लोग अल अक्सा को टेम्पल माउंट के नाम से बोलते हैं। एक मेन बिलीफ जो ये जमीन को लेके लड़ाई चल रही वो है कि थर्ड टाइम फिर से सोलोमन टेम्पल कंस्ट्रक्ट होगा और इनका मसीहा आके इनको लीड करेगा। और सोलोमन टेम्पल का बहुत ही डेप्थ में वीडियो रहेगा, हम इस वीडियो के बाद में उसे बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए हम बस अल अक्सा की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताएंगे, ताकि आप लोगों को मालूम रहे कि अल अक्सा को लेके इतना क्यों चर्चा रहता पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम्स में, और इसकी ऐसी क्या खासियत है। तो अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको बुराक वॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहा जाता है इस्लामिक क्लरिक्स के हिसाब से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे सफ़र करके बुराक से आए थे, जो कि सफ़र था मक्का से जेरूसलम। और उसके नीचे ही आप देखेंगे मस्जिद अल बुराक, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जिधर कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुराक को वहाँ पर बांधे थे। और उसके बाजू जो बुराक वॉल है उसको ही लग के ज्यूस की बेलिंग वॉल कहा जाता है, जिधर ये आके रोते हैं, इनकी इबादत करते हैं। और मस्जिद अल बुराक के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको द मोरक्कन गेट देखने को मिलेगा। बस ये एक ही गेट है जहां से नॉन मुस्लिम्स को एक्सेस दिया गया है ये सेंचुरी को देखने के लिए। अगर आप राइट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको देखेगा मुसल्ला मरवानी, ये एक बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड एरिया है जिसको उमैद डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट किया था 8th सेंचुरी में। और यहाँ कहा जाता है कि बीबी मरियम की मदद से ईसा अलैहिस्सलाम की अपब्रिंगिंग हुई थी। अगर इसके ऊपर ही आप देखें तो आपको दिखेगा द गोल्डन गेट। क्रिश्चियंस के हिसाब से ये गोल्डन गेट इनके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल है, क्योंकि ये मानते हैं कि यहाँ से मसीहा द सेकंड क्राइस्ट इनकमिंग रहेगा, मगर 7th सेंचुरी में इस गेट को सील कर दिया गया। तो गोल्डन गेट के बिल्कुल ही बाजू ये कहा जाता है, इसे कहते हैं इस बिल्डिंग को थ्रोन ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये अभी के लिए एक गर्ल्स स्कूल के लिए फंक्शन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जगह सील करके रख दे, क्योंकि अंडरग्राउंड से ज्यूज जो है ना एंटर करके कुछ तो ही फसाद कर रहे थे, तो नीचे भी अगर देखे तो केज वगैरह बना के स्वेज वगैरह को ब्लॉक करके रखे सर हर जगह से। बस पॉलिटिक्स चल रही थी हिस्से में। हाँ, अब हम असल आते हैं द डोम ऑफ रॉक और खिबली मस्जिद पे। डोम ऑफ रॉक जिसको मीडिया में असल मस्जिद अल अक्सा के लिए पोर्ट्रे करते वो नहीं है मस्जिद अल अक्सा, वो है डोम ऑफ द रॉक खुब्बतुस सखरा। ये बनाया गया था खलीफ अब्द अल मलिक से इन द ईयर 688 to 691। डोम ऑफ द रॉक इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक सैक्रेड रॉक है, और कहा जाता है कि वहां से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर किए थे जमीन से आसमान तक। नीचे आप देखेंगे एश कलर की एक मस्जिद, मस्जिद अल खिबली। हमेशा डिबेट हुआ करता था कि डोम ऑफ रॉक या मस्जिद अल खिबली में से अल अक्सा कौन सा है, मगर दोनों भी नहीं है। अल अक्सा असल एक पूरा कंपाउंड है। मस्जिद अल खिबली ये लोकेट किया गया है नियरेस्ट टू द खिबला, इसलिए इसका नाम मस्जिद अल खिबली रखा गया। एक्चुअली आप लोग बोलेंगे कि इतने सारे मस्जिद वगैरह क्यों हैं, ये जो अंदर मस्जिद अवेलेबल है ये बहुत बार रेनोवेट हुए, क्योंकि बीच में कई दफ़ा अर्थक्वेक वगैरह भी आए और रेनोवेशन होते गया क्योंकि लोग बढ़ते गए, मुसल्लियों के लिए जगह ज़्यादा की गई। तो मस्जिद अल अक्सा एग्जैक्टली है क्या? पूरे मॉन्यूमेंट्स, पूरा कंपाउंड जो बाउंड्री है ना वो उसे अल अक्सा कहा जाता। तो कैलेंडर में इसलिए यूज करते हैं, सबसे जो खूबसूरत स्ट्रक्चर है वो गोल्डन डोम का है, और मीडिया में भी खाली वही देखा रहे। अब लोग कैसा है मालूम, वो गोल्डन डोम को देख के अरे भाई स्ट्रक्चर ठीक है ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ मस्जिद अल अक्सा को, बोल रहे नहीं नहीं गोल्डन डोम को कुछ भी नहीं हुआ ना भाई, ठीक है मतलब अभी कुछ भी नहीं हुआ अल अक्सा मॉस्को को। जबकि देखा गया तो यही जायनिस्ट क्या कर रहे हैं, मस्जिद अल खिबली का जो
आउटर स्ट्रक्चर है वहाँ खोदते जा रहे कंटिन्यूसली फाउंडेशन गिराना बोल के। तो ये जो बोलते हैं कि इनके हिसाब से इनका मसाया जो हमारे इस्लाम के हिसाब से दज्जाल है उसके अराइवल से पहले पूरा गिरा के जो सोलोमन टेम्पल या कंप्लीट कंपाउंड पे बनाने इनका इरादा है। तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर वहाँ से एक स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ ये लोग इरादा है करते रहेंगे। अब आगे देखेंगे मस्जिद अल अक्सा में क्लैशेस क्यों हो रहे इतने सारे ज़ायोनिस्ट ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में, एक एक डिटेल इसके अंदर देंगे। और तो और अल अक्सा कंपाउंड के अंदर 25-30 वेल्स भी थे मालूम आपको? अच्छा इतना कुआं इतना पानी है वो एरिया इतना में। मतलब इतना इसलिए द ब्लेस्ड लैंड कहा जाता हमारे में से द ब्लेस्ड सैंक्चुरी द ब्लेस्ड लैंड। जैसा आप देख रहे डोम ऑफ द रॉक खूबसूरत सा गोल्डन उसका ऊपर पूरा कवर है और बहुत काफी खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं था दिखने में। सेम खिबली मस्जिद के टाइप का था, वैसे ही डार्क और ब्लैक और एकदम डार्क कलर्स थे इसके। लेकिन 1000 साल के बाद जब ऑटोमन कैलिफ सुलेमान द मैग्निफिसेंट का रूल था उस पीरियड में वो जो डिस्टिंक्टिव गोल्डन लेयर है जो आप देख रहे हो ऊपर, ये उस वक्त ऐड किया गया था क्योंकि इस्लाम में ये थर्ड होलीस्ट साइट है, तो वो पीरियड में ये खूबसूरती उसको ऐड की गई थी। तो जैसा आप देख रहे हैं आज के पीरियड में वैसा एक्चुअल में डोम ऑफ द रॉक था नहीं, वैसे ही सेम जस्ट लाइक मस्जिद खिबली ये भी ब्लैकिश कलर का था। तो क्या ये मस्जिद अल अक्सा में कई सारे जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं डोम ऑफ द रॉक है मस्जिद खिबली है क्या ये अनटच है? वैसा नहीं, कई सारे जंग हुए कई सारे फसाद हुए और रिसेंटली 1969 में मस्जिद खिबली जो है उसको कम्प्लीटली आग लगा दिया गया था और अंदर जो मशहूर मेम्बर है जो था क्रिएटेड बाई नूरुद्दीन जंगी, ये थे अंकल ऑफ द ग्रेट सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह। और बाद में 1969 में एक ज़ायोनिस्ट ऑस्ट्रेलियन तो उन्होंने क्या करा अंदर घुसा मेंबर को आग लगा दिया और मेंबर इतना लकड़ी का हेवी काम करा था उससे पूरे मस्जिद में मस्जिद खिबली जो आग लग गई और कई सारे हिस्से उसके गिर गए थे। फिर बाद में क्या उसको सजा दी? नहीं उसको लुनेटिक है बोले, मतलब साइको था उन्हें, पागल था उन्हें, दीवाना कुछ भी नहीं, वो लाइट आइडिया से कुछ छोड़े थे उन्हें लगा दिया था। हम इसके बारे में आगे भी बोलेंगे, ऐसा और एक लुनेटिक आने वाला है बहुत जल्द देख लो। तो उसको वापस फिर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, रिफर्बिश कर दिया गया। और ये सिर्फ मस्जिद खिबली के हद तक नहीं है ना, कई सारे जो स्ट्रक्चर्स है इसमें कई सारे चेंजेस आए, कई सारे ऑल्टरेशंस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कई सारे जो सीवेज के कैनाल से जो सुरंग बने थे वहाँ से कभी एक ज़ायोनिस्ट घुस जा रहा हिस्सा तोड़ने के लिए, यहाँ से घुस जा रहा, तो आप समझ गए ना ऐसा चौतरफ से एकदम कहीं ना कहीं से निकल रहे तो वो हिसाब से फिर वो हिस्सों को लॉक डालते रहना पड़ा, स्प्रे मारते रहना पड़ा शायद आते ही। और आज भी कई सारे टनल्स में जारी है इनका काम, कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ रहे। कई जगहों पे दिया गया कि एक्सकवेशन चल रहा बाजू जो है मस्जिद खिबली के फाउंडेशन तोड़ने के इनके तरीके चलते रह रहे, क्योंकि ये लोग आज भी तड़प रहे कि कुछ ना कुछ वो सोलोमन टेम्पल का एक प्रूफ इनको मिल जाए तो ये लोग पूरे धावा बोल के कूदने वाले उसके लिए। आज तक नहीं मिला तो इसलिए ये लोग चोर तरीके से कहीं ना कहीं से ढूंढ ढूंढ के रास्ते ढूंढ रहे। तो गाइज जैसा कि आप लोग देखते कि हमेशा यहाँ से इजरायलियाँ आते यहाँ से फलस्तीन आते क्लाश होता दोनों के बीच में, आप लोगों को तो मालूम ही है कौन अटैक करते कौन डिफेंड करते, मगर मीडिया में कुछ और बताया जाता। एक वीडियो बनाए थे हम लोग सुल्तान अब्दुल हमीद 2 शायद, वो वीडियो आप लोग चेकआउट करो अगर चेकआउट नहीं करे। वहाँ पे हम बताए थे कि सुल्तान अब्दुल हमीद 2 को कैसा रिश्वत दी गई थी ये जेरूसलम के लिए, और जब वो इस बात को इनकार कर दिए थे तो जो दीवाने यंग टर्क्स थे नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के उनको रिश्वत देके इनकी तख्ती उल्टी कर दिया गया और वहां पे ये लोग को एंट्री मिल गई थी। 1967 में जॉर्डन और इसराइल के बीच में एग्रीमेंट हुआ था क्योंकि ये जॉर्डन वफ के अंडर आता, एग्रीमेंट हुआ था कि जो बाहर के हिस्से वो इसराइली को दिए जाएंगे और ये जो हिस्सा है जो अल अक्सा का है और थोड़े अतराफ के जोग्राफिकल लोकेशन वो फलस्तीनियों को एज परमानेंट रेजिडेंस रहेगा। खुद की ज़मीन में परमानेंट रेजिडेंस लेके रहना है। तो इतने सारे कनेक्शन है इस्लामिक क्रिश्चियनिटी ज्यूश पूरे कनेक्शन, ये एक असल अहम जगह से है। क्रिश्चियंस के हिसाब से वो भी मानते हैं आर्मेगेडन होने वाला है और एक एंट्री पॉइंट अल अक्सा की रहेंगी जहाँ से उनके मसाए आएंगे। यहाँ पे आपको तो मालूम है कि इतने इस्लामिक बिलीव्स और इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स अल अक्सा के अंदर अल अक्सा कंपाउंड के, और ज्यूश के हिसाब से इनका मसाए आएगा सोलोमन 3rd टेम्पल रिकन्स्ट्रक्ट होएगा और वो पूरे दुनिया को रूल करेंगे। तो असल सोलोमन टेम्पल की वीडियो इसके बाद है, हमारा मकसद इसलिए था ये बनाने के लिए क्योंकि अल अक्सा के अंदर ऐसी क्या खासियत है और क्यों लोग शहीद हो जा रहे इसको बस बचाने के लिए। तो ये था भाई द इम्पोर्टेंस ऑफ अल अक्सा, द रियलिटी ऑफ अल अक्सा और रियल अल अक्सा क्या है। अगर आपके हिसाब से कोई चीज़ को करेक्शन है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे, अगली वीडियो रहेंगी सोलोमन टेम्पल के बारे में।
ये सोलोमन टेम्पल ऐसी क्या खास चीज़ रखता है ज्यूश बाइबल के हिसाब से, और ये लोग इसके पीछे क्यों हैं रिकंस्ट्रक्शन के, ये अगले वीडियो में बताया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका थर्ड टेम्पल तीसरी मरतबा है कले सुलेमानी तामीर होना है, नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है। खुद इसका जो बाबा आदम था, ऑर्डर ऑफ इल्लुमिनाटी, 1776 यकुम मई ये निजाम कायम किया वाइसॉप ने, और इस निजाम के तहत फ्री मेसनरी और लॉजिस ऑफ द ग्रेट ओरिएंट कायम किए गए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहने को अमेरिका के जेर क़यादत है, हकीकत में अमेरिका खुद यहूदियों के पंजे में है। ये वही इबलीसी ताकत है जो आगे बढ़ रही है। शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप और क्या देखना पसंद करेंगे, एंड तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर बहुत जल्द, और सी यू सून अगेन, नेक्स्ट वीडियो सोलोमन टेम्पल इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।